अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को हम बेडशीट डिज़ाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आप इसे बेबी बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। हम इसके लिए हमने दो कलर का कपड़ा लिया है, हमने लिया है वाइट और स्काई ब्लू। तो देखिए इस तरीके से हमने पीसेस को लिया है। तो चलिए इसका मेजरमेंट लंबाई चौड़ाई आप लोग को बता दे रहे हैं कौन कितना पीसेस हमने लिया है। तो वाइट वाला जो हमने पीसेस लिया ये 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई चारों तरफ से बराबर है। हमने लिया है ये 24 पीसेस और हमने स्काई ब्लू वाला ये भी 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई तो हमने ये लिया है 12 पीसेस और वाइट वाला हमने एक पीसेस लिया है 5 इंच लंबाई 5 इंच चौड़ाई। स्काई ब्लू वाला हमने लंबाई में 5 इंच लिया है, चौड़ाई में हमने 3 इंच लिया है। तो ये 4 पीसेस है और ये वाला तो ये हमने लिया है 3.5 इंच लंबाई 3.5 इंच चौड़ाई। तो ये हमने लिया है, तो ये हमने 8 पीसेस लिया है। ये वाइट वाला भी 8 पीसेस लिया और हमने लाइट स्काई ब्लू वाला भी 8 पीसेस लिया है। तो चलिए इसका किस तरीके से हमें इसको कट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा आया है। तो देखिए जो हमारा ये 3 इंच का हमने लिया था इसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर दिया और ये वाइट वाला भी हम कट कर देंगे। तो देखिए ये एक पीसेस हम वाइट वाला लेंगे और एक पीसेस हम ये स्काई ब्लू वाला लेंगे। तो दोनों को आपस में मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो जितना भी पीसेस हमारा है हम पूरे पीसेस को इस तरीके से एक एक कर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए एक हमने वाइट लिया है और एक स्काई ब्लू लिया है, फिर दूसरा हमने वाइट लेना है, स्काई ब्लू लेना है। इसी तरीके से जितना भी हमने कटिंग किया है पूरे पीसेस को सिलाई करेंगे तब फिर आगे। तो देखिए जितना भी हमने पीसेस सिलाई किया था एक एक कर कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कट कर दिया जितना भी हमारा पीसेस था। तो हमने देखिए इस तरीके से कटिंग कर दिया पूरी पीस को और फिर हमें इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए वाइट को और जिस साइड हमारा वाइट है उसको दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई करना है। तो वाइट वाला वाइट के साइड ही मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया। फिर दूसरा पीसेस भी लेंगे, दोनों को भी आपस में मिलाते हुए सिलाई करेंगे। देखिए जो हमारा वाइट है वाइट वाइट के साइड ही रहना चाहिए। एक ही बात हम आप लोग को 2-3 बार बता दे रहे हैं इसलिए कि आई होप आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, और जिनको ना समझ में आए वो भी देख कर समझ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब हमें लेना है स्काई ब्लू वाला, दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई करना है। हमने 2 पीसेस को वाइट के साइड मिलाते हुए सिलाई किया था और 2 पीसेस हमने इस तरीके से करना है। तो जिसको आपको जितना भी बड़ा बनाना हो अपने हिसाब से रख सकते हैं छोटा बड़ा। तो इस तरीके से हमें पीसेस लेना है और हमने पहले से ही 2 पीसेस सिलाई कर लिया था। तो इस तरीके से हमें 4 पीसेस में चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है, अब इसको हम कट कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो ये पीसेस है इस तरीके से बनकर आया है। फिर हमें ये जो हमने पट्टी लिया था 5 इंच लंबाई का और 3 इंच चौड़ाई का, तो दोनों को आपस में मिलाना है। और देखिए एक हम स्काई ब्लू के साइड ही रखकर सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से एक साइड रखकर सिलाई कर दिया और फिर दूसरे पट्टी को भी इस तरीके से हम रखकर सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने दूसरे को भी इसी तरीके से सिलाई कर दिया। तो देखिए हम दूसरे को मतलब इसको हम कट कर दिए दोनों पीसेस को। तो अब दूसरा जो हमारा पीसेस है उसको हम इस तरीके से मिलाएंगे कि जो हमारा वाइट है वाइट के साइड हम रखेंगे पट्टी के ऊपर और दोनों को आपस में मिलाते हुए चले जाएंगे सिलाई करते हुए। तो देखिए हमने एक पीसेस पर इस तरीके से सिलाई कर ली, अब दूसरे पीसेस को भी सेम इस तरीके से करेंगे। हम जो हमारा पट्टी है स्काई ब्लू वाला उसके ऊपर हम वाइट वाला रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा 4 पीसेस में हमने कर लिया। हमने 2 आप लोग को कर बताया, 2 हमने पहले से कर लिया था। तो चलिए अब दूसरी हम को बताते हैं किस तरीके से करना है। तो हमें एक पीसेस स्काई ब्लू वाला लेना है और एक पीसेस हमें वाइट वाला लेना है। तो देखिए हमने सिलाई कर दिया, फिर हमें वाइट वाला लेना है और वाइट के ऊपर वाइट वाला मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो हमने इसको भी सिलाई कर दिया तो हमारा एक पट्टी तैयार हो गया। हम आप लोग को समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग समझ जाएं अच्छे तरीके से। और ये देखिए फिर हमें स्काई ब्लू वाला लेना है, वाइट वाला लेना है, फिर ये जो हमारा स्काई ब्लू वाला पीसेस है वो बीच में रहेगा और वाइट वाला जो दोनों साइड में रहेगा। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया है इस तरीके से हमारा आया है और फिर हमें वाइट वाला लेना है और 2 पीसेस हमें वाइट वाला लेना है। ये तरीका हम आप लोग को बहुत आसान बताते हैं कि आप लोग के समझ में आ जाए, नहीं तो हम वैसे जब करेंगे तो जल्दी हमारा हो जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हमें समझाने के लिए आपको अच्छे तरीके से बताते हैं कि आप लोग समझ में आ जाए। तो हमें देखिए इस तरीके से पीसेस को लेना है, फिर हमें सिलाई कर लेना है, दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर लेना है अच्छे तरीके से कि बराबर से बैठ जाए। तो देखिए हमने दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर लिया है और फिर हम लेंगे दूसरे पीसेस को। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करना है, फिर हमें ये वाला पीसेस को लेना है और फिर इसको भी हम दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर देंगे अच्छे तरीके से।
तो देखिए इसी तरीके से हम आराम आराम से सिलाई करेंगे कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही बैठे। तो देखिए हमने ये इस तरीके से एक पीसेस हमने आप लोगों को कर बताया, चलिए दूसरा भी कर बता देंगे, लेकिन हमें चार पीस में चाहिए तो हमने दो पहले से ही कर रखा था और दो आप लोगों को कर बता देंगे कि एक मना समझ आए तो दूसरे में आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए एक स्काई ब्लू वाला हमने लिया है और एक हमने वाइट लिया है, फिर हमने दो वाइट को लिया है। तो इसी तरीके से हमने आपको बताना है, दो तरीके से हम बता दे रहे हैं आपको, जो आपके समझ में आए आप कर सकते हैं उस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया, तो जो हमने स्काई ब्लू वाला लिया था उसको हमने वाइट वाला ले लिया, फिर हमने जो दो वाइट लिया था उसके ऊपर हमने स्काई ब्लू वाला ले लिया, फिर हमें इस तरीके से करना है। देखिए एक हमें लेना है ये वाइट वाला और फिर हमें इसको अच्छे तरीके से, थोड़ा सा हमारा ये बड़ा था तो उसको हमें बराबर से हमने कट कर दिया, फिर हमें वाइट वाला लेना है और स्काई ब्लू दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने दो दो को एक कर दिया है और फिर अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो हमारा ये जो हमने लिया था इसे हम इस तरीके से रखेंगे, तो इसके ऊपर हमने वाइट वाला रख दिया है और फिर इसको भी हम अच्छे तरीके से बराबर कर सिलाई कर देंगे। तो हमने सिलाई कर दिया, अब इसको हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग हमने कर लिया, फिर एक एक कर इसको भी सेम इसी तरीके से सिलाई कर लेना है, एक एक पट्टी को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर लेना है अच्छे तरीके से बराबर कर। तो हमारा इसी तरीके से बैठ जाएगा। तो हमने सिलाई कर दिया है इसको और इसको अब कट कर दिए हैं और दूसरे पीसेस को भी लेंगे और इसको भी सेम इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने इस साइड भी इसको सिलाई कर दिया और इसको भी हमारे कटिंग कर दिया। तो हमारा ये देखिए इस तरीके से आया है। दो पीसेस आप लोग को हमने कर बता दिया था और दो हमने पहले से कर लिया था, चार हमारा इस तरीके से और चार हमारा इस तरीके से। तो हमने वाइट वाला जो पीसेस लिया था उसको लेंगे और फिर हमें इस साइड से रखना है देखिए इस तरीके से और दोनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई कर लेना है। तो जो हमारा ये वाइट वाला पीसेस है उसको हमें वाइट की ही साइड रख कर सिलाई करना है। तो देखिए हमने ये जो पीस बना रही हूँ वो मतलब बड़ा बना रही हूँ जो डिजाइन है, तो आप छोटा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो हमारा वाइट वाला था उसके ऊपर हमने ये वाला रखा और वाइट के साइड ही रखकर सिलाई करना है। तो दूसरे पीसेस को भी सेम इस तरीके से हमें करना है। तो ये जो डिजाइन है हमने रिक्वेस्ट पर बनाया है, बहुत मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पर कि ये डिजाइन बनाकर दिखाए, तो हमारे पास ऑर्डर भी आ गया था ये डिजाइन का। तो हम सोचे कि चलिए दोनों काम हो जाएगा, साथ में आप लोग डिजाइन भी देख लेंगे। और जो कंप्लीट वाला है तो आप लोग हम अगर आप लोग को समझ में ना आए कि इस तरीके से करना है तो हमें आप लोग कमेंट कर बता देना या आप मैसेज कर बता देना, हम उसका भी आप लोग को बता देंगे। लेकिन इसका पूरा हम कंप्लीट बताएंगे किस तरीके से आपको इसको एक एक कर ज्वाइंट करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से कर लिया, फिर हमें एक पट्टी हमारा तो तैयार हो गया और दूसरे को भी सेम इसी तरीके से रखना है। जो हमारा डिजाइन वाला पीसेस है वो बीच में रहेगा और ये जो बॉक्स वाला है उसको हम साइड में रखेंगे। तो हमारा जो स्काई ब्लू वाला है वो नीचे के साइड रहेगा। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया और दूसरे पीसेस को भी सेम इस तरीके से करेंगे। तो हमारा स्काई ब्लू वाला है तो इस पट्टी पर भी नीचे की साइड ही रहेगा और वाइट वाला ऊपर की साइड रहेगा। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से सिलाई कर दिया। तो देखिए हमने सिलाई कर दिया, अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है जो आया है, तो दूसरा जो हमारा पीसेस है उसको भी सेम इस तरीके से रखना है और इस साइड रखकर अच्छे तरीके से बराबर कर हमें सिलाई करना है। तो आप लोग को ध्यान रहे कि अच्छे तरीके से हम बराबर कर आराम आराम से सिलाई करिएगा कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे। तो हमने इस साइड सिलाई कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से, और दूसरे पट्टी में भी सेम इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो आप कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये पीसेस को भी हमने सिलाई कर दिया, अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा एक एक पट्टी मतलब तैयार हो गया, तो हमारा तीन पट्टी में तैयार हुआ है। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा है बनकर आया है, तो बड़ा है पीसेस, तो जो डिजाइन है वो बड़ा है तो इसीलिए नहीं दिख रहा है अच्छे तरीके से। तो आप लोग को हम बाद में दिखाएंगे किस तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है। तो ये जो हमारा है इसको हम रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे पहले, फिर इसको हम अच्छे तरीके से बराबर कर सिलाई करेंगे। तो देखिए आराम आराम से मिलाते हुए सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से बराबर कर सिलाई कर लिया है इस साइड, और सेम ही इसी तरीके से हम दूसरे
तो देखिए हमने दोनों साइड से इस पट्टी को सिलाई कर लिया, तो हमारा जो डिज़ाइन है तो बनकर इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। आप इसमें पट्टी मत लगाइएगा, चारों तरफ से आप इसमें एक एक डिज़ाइन कर कर ज्वाइंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका जब बेडशीट बनेगा तो इस तरीके से बनकर कंप्लीट होगा। तो हमने कलर सेम ही लिया है और कलर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इससे आप गोदरी बना सकते हैं, बेबी बेडशीट बना सकते हैं, फलिया बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन से आप लोग सिंगल डबल। तो देखिए इस तरीके से हमारा बनकर कंप्लीट हुआ है। तो आपको इसमें पट्टी नहीं लगाना है, एक एक कर कर ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारे सिलने का तरीका और बताने का तरीका। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग अगर हमसे बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इसी तरीके से आप लोग देख सके नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।